यह वही की ओर से आने वाला लगता है मेरे को इस टाइम का सबसे बड़ा स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि ये स्मार्टफोन की कैटेगरी के पे रखा गया है। इसकी प्राइस करीब आपको 2,35,000 से 36,000 रुपये होने वाली है। और देख सकते हैं इसका डिस्प्ले कितना बड़ा होने वाला है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन डिस्प्ले दिए गए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये फ़ोन की कैटेगरी में रखा गया इतना बड़ा डिस्प्ले वाला पहला फ़ोन होने वाला है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले आप 10 इंच से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसके फीचर के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो डुअल सिम होगा, 3G 4G 5G होगा, वोल्टी होगा, वो वोल्टी 5G होगा, और इसमें NFC आई एफ ब्लास्टर होगा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ काम करेगा, 16 GB का रैम होगा इसमें, और 256 GB का इंटरनल इसमें होगा, और 5600 mAh की बैटरी होगी। इसके डिस्प्ले की बात करें तो 10.2 इंच का डिस्प्ले है, जो कि 120Hz और विथ पंच होल होगा। फोल्डेबल फ़ोन होने वाला है और डुअल डिस्प्ले होने वाली है इसमें। कैमरे की बात करें तो कैमरा ट्रिपल रियर कैमरा होने वाला है, 50 MP, 2 MP, 12 MP और 12 MP, और फ्रंट का 8 MP के साथ, और मनी OS 4.2 होगा, और इसका वजन जो होगा 298 ग्राम होगा, और साइड फिंगरप्रिंट है इसमें, और इसके QLED स्क्रीन होगा इसका, और इसमें 10.2 इंच का पूरा स्क्रीन होगा, और इसमें फोल्डेबल होगा। अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ड्यूबल डिस्प्ले होगी, इसमें 3 डिस्प्ले दी गई हैं, जिसकी डिस्प्ले अलग अलग है। डिस्प्ले की बात करें, जो सिंगल स्क्रीन डिस्प्ले है तो 6.4 इंच की होगी, और डुअल जो होगा वो 7.9 इंच की होगी, और तीसरी जो स्क्रीन है वो 10.2 इंच की होगी। इससे सेट 120Hz का मिल जाएगा, पंच होल डिस्प्ले मिल जाएगा। कैमरे की बात करें तो इसमें 4K रेजोल्यूशन के साथ आपको कैमरा मिल जाएगा, ट्रिपल कैमरा होगा, जो कि 50 MP और 12 12 MP के कैमरा होंगे। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट का 8 MP का होगा। फ़ोन होगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ, 16 GB रैम और 256 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें कनेक्टिविटी आपको ब्लूटूथ की 5.2 की मिल जाएगी, आई एफ ब्लास्टर मिल जाएगा, और 5600 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि चार्जिंग करेगी 66 वाट के साथ, और इसमें आपको 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा। रिवर्स चार्जिंग की बात करें तो 5 वाट का रिवर्स चार्जिंग मिल जाएगा, और अगर वायरलेस चार्ज करते हैं रिवर्स, तो इसमें 7.5 वाट का मिल जाएगा आपको। देख सकते हैं इसमें सब कुछ आपको वायरलेस और रिवर्स चार्जिंग भी वायरलेस आने लगी है, और उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा FM रेडियो और 3.5 mm का जैक।